नियमों को ताक पर रखकर योद्धा माइंस धड़ल्ले से कर रहा खनन। बंद किए जा चुके रास्ते का प्रयोग करने पर ग्रामीणों ने दी उपायुक्त को शिकायत। सिंचाई विभाग ने बांध को आवाजाही के लिए किया बंद, किंतु योद्धा माइंस कर रहा इसी बांध का प्रयोग। लोहे के पोल उखाड़कर ट्रक और ट्रैक्टरों के रास्ते खनन किया जा रहा। डीसी सोनीपत श्यामलाल पुनिया से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वे मामले की जांच करवाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि बांध के रास्ते को यदि अवैध रूप से खोला गया है तो इससे जुड़े हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या दिक्कत हो रही है भाई? यही है जी, खैन बेगू रास्ता आने जाने में दिक्कत तो पड़ी है। ये पर्सनल रास्ता है शमशान घाट का या खेतों का, ये इस पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक या रेत के वे चलेंगे तो हमें दिक्कत तो है ही। ओवरलोड वन चलते क्या परेशानी हो रही? परेशानी ये है कि यहाँ को ये ट्रक चला रहे हैं और परेशानी हो रही है ज़्यादा। अगर कोई ऊपर ताता है बंदा तो ये बंद कर दें वरना फिर चला दें साथ के साथ ही। दी थी जी, ये दिक्कत यही हो रही है कि यहाँ बड़ी परेशानी हो रही है। रास्ता टूटना फूटना रोजाना जा रही है। ये आपके सामने गया वीडियो बनाई आपने, बांध पर अवैध तरीके से ओवरलोड गाड़ियाँ चलाई जा रही है। बरसात के मौसम में बांध को बंद कर दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जैसा आप बता रहे हैं ऐसा मामला आज प्राथमिक संज्ञान में आया है, तो जाँच करवा के जो भी कार्रवाई बनती है जिसकी वायलेशन के लिए बनती है। सर ग्रामीणों ने 7 तारीख को इसकी शिकायत दी थी लेकिन शिकायत को दबाया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, शिकायत दबाने की इसका कोई बात नहीं है। जो शिकायत थी वो अलग मसले पर थी, इसको लेकर नहीं थी। कोई इनका व्यक्तिगत जमीन पे माइनिंग को लेकर जो शिकायत थी जिसकी आप बात करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।